प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नयन नाथ पांडे, मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। इस सम्मान प्यार आदर के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त कराऊं। अगर आप लोग इसी प्यार सने से मेरे कार्यक्रम को देखते रहेंगे तो खुद अपनी कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। मैं कुंडली में भाव, लग्न, ग्रहों की युक्ति, राशि सब पर प्रकाश डालता हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, केतु शनि ग्रह की युक्ति, कुंडली के किन किन भावों एवं राशियों में राजा के समान सुख देता है। तो जिसके कुंडली में दूसरे भाव में वृषभ राशि का केतु शनि है, ऐसे लोग अक्षमातिक उन्नति करते हैं, अक्षमातिक पद पाते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही उदार, भाव, तेजस्वी होते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चौथे भाव में मकर राशि का शनि हो, ऐसे लोग राजा के समान जीवन जीते हैं। सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख इनको पूर्ण प्राप्त होता है। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सिंह राशि हो, उसमें अगर केतु शनि की युक्ति है, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं। ऐसे तो संगीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, अपने विद्वता से अपनी पहचान बनाते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में तुला राशि हो, उसमें केतु और शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वयं पर महिला हो या पुरुष इच्छा अनुसार शादी करते हैं। इच्छा अनुसार पति पत्नी सुख प्राप्त होता है, संतान योग्य होते हैं और रंग से राजा बनते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में केतु शनि और कुंभ राशि हो, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं। ऐसे लोग व्यापार से भी धन कमाते हैं। ऐसे लोगों को मशीन, कोयला, जमीन संबंधी व्यापार से पूर्ण लाभ होता है। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में धनु राशि हो, उसमें अगर केतु शनि की युक्ति है, ऐसे लोग महान भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग समाज में पूजे जाते हैं, देश में पूजे जाते हैं, परिवार में पूजे जाते हैं। इनको सांसारिक सुख जैसे संतान, पत्नी, वाहन सुख, मकान सुख, धन सुख ये पूर्ण प्राप्त होता है। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी मित्रगण को मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए। उसके लिए कुछ फीस लेना होगा, फीस देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कह के आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।